चाचा लागत की बात की जाए तो पूरा खेती में जो है अभी तक कितना लागत लग चुके हैं? 20-25 हजार अभी लग चुके हैं। इसमें जो कितना माल करीबन निकलेगा? चार सौ बोरी, यानी कि 3 महीने में जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे, पक जाएंगे आलू। और अभी भी जो है चाचा बात की है और तुरंत जो है खेतों में लग चुके हैं काम करने के लिए, क्योंकि दोस्तों किसान के लिए जो है एक एक सेकेंड, एक एक मिनट जो है बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे आलू की खेती कर रखे हैं और ये जो है पूरा खेत जो है एक किसान के हैं। सारे चीज़ पे दोस्तों बात करने वाले हैं आज कि ये जो है खेती कैसे करते हैं और किस तरीके से जो है किया जाता है और इसमें जो है कौन कौन सा बीज डाला जाता है और कौन कौन सा जो है इसमें खाद डाले जाते हैं, सारे चीज़ पे दोस्तों बात करने वाले हैं। तो अभी मैं हूँ पूर्णिया जिला के नगर गोखलपुर इलाके में दोस्तों, और जैसे कि आप जो है देख पा रहे हैं इधर जो है पूरा जहाँ जहाँ तक आपका नज़र जाएंगे और वहाँ वहाँ तक जो है आलू की खेती कर रखे हैं। तो ये सारे जो है एक ही किसान के हैं, तो सारे चीज़ पे दोस्तों बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो किस तरीके से आलू की खेती किया जाता है और ये पूरा जो है कितने ज़मीन में जो है ये आलू की खेती कर रखे हैं, कितना बीज जो है डाला गया है और कितना इसमें जो है आएंगे, सारे चीज़ पे दोस्तों बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो जो है पूरा फुल एंड तक आपको ज़रूर देखना है। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। तो चलिए दोस्तों बगैर टाइम गवाए वीडियो करते हैं शुरू। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ जो है किसान चाचा है, तो इनसे जो है बात करते हैं कि ये जो है कितने ज़मीन में जो है पूरा अपना जो है खेती कर रहे हैं और कितना जो है इसमें फसल होते हैं। चाचा जी नमस्कार। चाचा जी सबसे पहले अपना नाम बताइए। राम। अच्छा, और ये जो है अपना गांव का नाम क्या है चाचा? गोखलपुर। गोखलपुर पूर्णिया जिला में पढ़ते हैं, बिहार के दोस्तों पूर्णिया जिला में पढ़ते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो चाचा ये जो है अपना खेती जो कर रखे हैं ये आलू की, जैसे कि कैमरामैन थोड़ा उधर दिखाइएगा कितने ज़मीन में है टोटल? 3 बीघा। 3 बीघा। तो दोस्तों 3 बीघा यानी कि 20 कट्ठे का जो है 1 बीघा होते हैं। चाचा बीज की बात की जाए तो इसमें जो है कौन सा बीज आप जो है यूज किए हैं? इसमें लाल है, लाल वाली आलू की। हाँ। अच्छा कितना बीज इसमें इस्तेमाल हुए हैं? लगभग 50 लगेगी यहाँ में, 40-50 यहाँ लगता है। 40-50 क्या किलो? नहीं बोरा, बोरी। 40-50 बोरी यानी कि एक बोरी में 50 किलो होते हैं। हाँ। और ये जो है अभी कितने दिन का पेड़ हो चुका है? ये पेड़ हुआ लगभग 1-1.5 महीना होगा। 1-1.5 महीना हो चुका है और इसको तैयार करने तलिक जो है कितना समय में जो है ये तैयार हो जाएंगे? एक महीना में निकल जाएगा। 1.5 महीना, 3 महीना लगता है। 3 महीने टोटल लगते हैं। हाँ। यानी कि अभी जो है नवंबर चल रहे हैं तो जनवरी फरवरी तलिक में? हाँ, हो जाएगा। जनवरी फरवरी तलिक में जो है रेडी हो जाएंगे। अभी जैसे कि आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो अभी कुछ इस तरीके से जो है पेड़ हो रखा है। तो अभी चाचा अभी खेतों में अपना क्या काम चल रहा है? काम नहीं चलेगा इसमें, उसके बाद मट्टी चलेगा, खाद देना पड़ेगा इसमें, तब तो कम चलेगा इसमें। अच्छा ये किनारी वगैरह जो बनाए ये पानी के लिए बना हुआ है क्या? नहीं, इसमें मट्टी किया गया लंबी झाँपने के लिए। अच्छा, पौधा जो निकलेगा। हाँ, शायद आलू का जी वो झाँपने के लिए। अच्छा, इसमें पानी का भी पटाव करना पड़ता है क्या? पानी जब बड़ा जमीन हो जाएगा ना जी, इसमें पानी देना पड़ेगा। अच्छा, कितने कितने दिन पर जो है इस पर पानी देना पड़ता है? मटिया जो है ना, जमीन हार है जी, उसमें जल्द कम से कम 10-15 दिन के बाद पानी दिया जाएगा। 10-15 दिन के बाद मतलब पूरा आलू तैयार होने तक जो कितने बार इसमें पानी लगते हैं? दो बार दोस्तों इसमें जो है पानी लगते हैं। और इसमें जो है जैसे कि ये पीछे में थोड़ा कैमरा मैन दिखाइएगा, इसमें जो लेबर भी काम कर रहे हैं तो लेबर का भी खर्चा अलग से डेली देना पड़ता है क्या? डेली देना पड़ता है। अच्छा, डेली देना मतलब ये पूरा जो है खेत में जो काम डेली चलते ही रहता है? अच्छा, लेबर को जो है एक लेबर का चार्ज क्या है? यहाँ तो 300 रुपया देता है। 300 रुपये एक लेबर का है? खाना देता है और खाना पीना अलग से। हाँ। तो दोस्तों 300 रुपये एक लेबर पे जो है दिया जाता है और खाना पीना अलग से। और पूरा एक दिन में जो कितने लेबर आते हैं? 10-15 ऐसे ही चलता है। 10-15 लेबर डेली आते हैं और डेली जो है सवेरे से लेकर के शाम तक जो काम चलते ही रहते हैं? तो दोस्तों किसान की जो है सबसे ज़्यादा मेहनत होते हैं, जैसे कि आप जो है देखते ही हैं कि किसान की कितने ज़्यादा मेहनत होते हैं। और जो सब्ज़ी आपके घर तलिक आते हैं दोस्तों, जो सब्ज़ी आपके किचन तलिक आते हैं, वो सारे जो है किसान की खून पसीने की मेहनत होते हैं। इसी बीच दोस्तों मैं आता हूँ किसानों से बात करने के लिए और आप सबको जो है थोड़ा राय देने के लिए, जैसे कि चाचा जी ने बताया। और चाचा इसमें जो है कितना माल करीबन निकलेगा? इसमें लगभग 300-400 बोरी निकलेगा। 300-400 बोरी
अच्छा, ये जो है यानी कि 3 महीने में जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे, पक जाएंगे आलू। और ये आलू का नस्ल क्या है चाचा? अभी सब ठीक है, अभी अच्छा। और इसमें जो अपना खाद वगैरह कुछ क्या क्या यूज करते हैं? यूरिया दे करके मट्टी चढ़ाए हैं अभी। यूरिया दे करके तो कितने दिन पे यूरिया पड़ते हैं? बस आलू गाछ पैदा नमक हो गया ना जी, गिरमना हो गया, उसकी मट्टी की बात मैंने खाद का मट्टी देना पड़ता है। अच्छा, तो देखभाल जो है दोस्तों पूरा जो है एनी टाइम करना ही पड़ता है। उसके बाद जो है 300 कुछ नहीं देना पड़ेगा है, इसके बाद कुछ नहीं देना पड़ेगा, इसके बाद कुछ नहीं। मौसम ठंडा के ही समय में जो है आलू ज़्यादातर उपजते हैं। ठंडा रहेगा उतने आलू फैल बढ़ेगा। अच्छा, इतना नम ज़्यादा ठंडा रहेगा जी, नए आलू नम साइज बढ़ेगा जी। और क्वालिटी की बात की जाए तो ये आलू की क्वालिटी क्या होगी? क्वालिटी लगभग 50 ग्राम से ऊपर, 100 ग्राम पर होता है। 50 से लेकर के 100 ग्राम के बीच में आलू होते हैं एक पीस की वजन है। और क्वालिटी भी आते हैं क्या, बीज वगैरह में भी क्वालिटी आते हैं? बीज जो है छोटा वाला लगाइएगा जी, नहीं छोटे दाना होगा, बड़ा वाला लगाइएगा तो बड़ा वाला लुक होगा। अच्छा, मैंने 100 ग्राम का जी साइज होगा, ऐसा बीज लगाइएगा वैसा फल लेगा। अच्छा, तो चाचा इसमें जो है सारे चीज़ जो है देखभाल करना पड़ता है एनी टाइम जो है? एनी टाइम देखभाल करना पड़ता है। आप जो है पूरा सवेरे से लेकर के शाम तक खेत में ही रहते हैं? शाम तक। और लेबर सब भी शाम तक रहते हैं? नहीं, 5 बजे तक रहेगा। 5 बजे तक, और 5 बजे के बाद फिर जो है फ्री है। कितने दिन तक जो है इसमें लेबर कंटिन्यू काम करते हैं? सब जो लग गया ना अच्छे बंद हो गया इसमें काम। अच्छा, क्या लागत की बात की जाए तो पूरा खेती में जो है अभी तक कितना लागत लग चुके हैं? 20-25 हज़ार लगेगा। 20-25 हज़ार अभी लग चुके हैं, और आने वाले समय में और भी इसमें लागत लगेगी? और लगेगा इसमें उखड़ने के बाद। अच्छा, कम जमीन में भी हो सकते हैं आलू खेती? नहीं, जिस मटियार जमीन है ना। अच्छा, इसमें कम लगेगा जी, खाद ज़्यादा लगता है जी, 10 बोरी 15 बोरी खाद लगता है पहले बार जी। और मिट्टी का भी फर्क होता है क्या? मिट्टी का फर्क होता है, बालू जमीन अलग होता है। अच्छा, और मिट्टी भी अलग होता है, मिट्टी में जगह ज़्यादा होता है। तो ये वाली मिट्टी में जो है खाली आलू ही उपज सकता है? आलू मकई दोनों, आलू और मिट्टी, ये टोटल जो है 3 महीने में तैयार हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या लगेंगे इसमें? मकई लगेगा। मकई, ठीक है चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और आपका जो टाइम भी बहुत ज़्यादा मैंने वो विलम्ब कर दिया हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, आप जो है काम कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि दोस्तों आप जो है देखे किसान जो है किस तरीके से जो है यहाँ पर मेहनत करते हैं, और अभी भी जो है चाचा बात किए और तुरंत जो है खेतों में लग चुके हैं काम करने के लिए। क्योंकि दोस्तों किसान के लिए जो है एक एक सेकेंड, एक एक मिनट जो है बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा जो है टाइम नहीं लिया। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपसे मिलेंगे। अगर दोस्तों आपको जो है ये राय अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर करके रखिएगा, और कमेंट सेक्शन में जय जवान जय किसान जो है आपको ज़रूर लिखना है। उससे जो है हिम्मत मिलते हैं, हमारे किसान को भी हिम्मत मिलते हैं और हमें भी हिम्मत मिलते हैं वीडियो बनाने में। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपसे मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।